In the previous video, we can read a types of magnet. First is natural magnet and then second is artificial magnet. Natural magnet hota kya hai? Some magnetic substance occur in nature. Kuch aise magnet hote hain jo hamare nature se already hame obtain hote hain. These substances are called natural magnet. Usko hum natural magnet kehte hain. Just for example, magnetite. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कौन कौन से होते हैं? मैग्नेट्स विच आर मेड बाय द ह्यूमंस, यानी एक मनुष्य के द्वारा या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर या फिर लेबोरेटरीज़ के अंदर तैयार किया जाता है, उसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बोलते हैं. और दे आर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स एंड शेप्स, आर मेड अप ऑफ मेटल्स लाइक आयरन, निकल एंड कॉबल्ट. जो आप देख रहे हैं डिफरेंट शेप्स के होते हैं. बार मैग्नेट होता है, सिलेंड्रिकल शेप उसका मैग्नेट हो सकता है, हॉर्स शू मैग्नेट ही हो सकता है. ये डिफरेंट शेप में ये होता है जिसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बोलते हैं. नेक्स्ट है आपका टॉपिक मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. ये मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है? तो चलिए हम जानते हैं. सबसे पहले मैग्नेटिक सब्सटेंस होता क्या है. सब्सटेंस विच आर अट्रैक्ट बाय अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक सब्सटेंस, यानी ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो सकते उसे हम मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. जैसे आयरन, निकल, कॉबल्ट एंड अलाउ लाइक स्टील्स आर मैग्नेटिक सब्सटेंस. ये सारे जितने भी एग्जाम्पल लिए गए ये सारे आपके मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं. मिक्सचर ऑफ दीज विथ अदर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट. पर कुछ ऐसा भी होता है, कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जिनके साथ कुछ मिक्स होने के बावजूद भी ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट, सब्सटेंस विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेट, यानी ऐसा सब्सटेंस जो मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट नहीं कर सकता उसको हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस कहते हैं. जैसे वुड, पेपर, कैरेमिक्स, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, गोल्ड आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस. अभी जो हमने एग्जांपल्स लिए ये सारे आपके नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स थे. नाउ अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, चलिए हम जानते हैं. द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मैग्नेट मटेरियल बाय मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिज्म. यानी हमने पढ़ा जो अट्रैक्शन पावर एक मैग्नेट की है उसको हम मैग्नेटिज्म बोलते हैं. दिस अट्रैक्शन एग्जर्ट अ फोर्स, यानी ऐसा फोर्स जो मैग्नेट को अपनी तरफ खींचता है, मटेरियल कॉल्ड द, उस मटेरियल को जो खींचता है उसको हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं. द स्पेस अराउंड द मैग्नेट विद इन विच द मैग्नेट फोर्स बी एक्सपीरियंस्ड बाय अ फील्ड मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट. यानी उस मैग्नेट के बीच का जो हिस्सा जो भी उसको अट्रैक्ट करता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं. द मैग्नेटिक फील्ड इज फील्ड विद द मैग्नेट लाइंस ऑफ द फोर्स. अ मैग्नेटिक लाइन ऑफ द फोर्स इज क्लोज कंटिन्यूस कर्व्ड विच ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड फ्रॉम साउथ टू द नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट. कभी भी जो मैग्नेट है आपका नॉर्थ टू नॉर्थ अट्रैक्ट नहीं करेगा, साउथ टू साउथ अट्रैक्ट नहीं करेगा. वो अट्रैक्ट कब करेगा? जब आपका नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ होगा. यही आपका हुआ मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड.